नमस्कार, शशि कांता की रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम एक लेके आए हैं चना चाट, सफ़ेद चना जो काबली चना होता है उसकी चाट कैसे बनाएंगे, पर मैं अपने तरह से अलग से तरीके से बनाऊंगी, जिसको छोला चाट भी बोल सकते हैं, सफ़ेद चना चाट भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया था कि एक कटोरी मैंने ये वाला सफ़ेद चना ले लिया था, रात में इसको भिगा दिया था, और भिगाने के बाद कुकर में 3 सीटी लगा के इसको बॉयल कर लिया। ये देखिए बॉयल है, ये देखिए इसको बॉयल कर लिया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दूंगी इधर, इसमें देखिए ऐसे ये थोड़ा सा बेसन इसमें मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ, और आप देखिएगा कैसा हटता है ये। और थोड़ा सा मैं इसमें एक चम्मच करीब बेसन है और 1 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर है। तो दोनों चीज़ मैंने इसको कर दिया। अभी हमको ज़रूरत लगेगी तो मैं और डाल दूँगी। और इसमें मैंने डाला है ना नमक, थोड़ा सा ये साल्ट है, थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें, ऐसे चने में भी पड़ा हुआ है, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ये डाल रही हूँ। देखिए ये डाल रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें मैं भुना जीरा डाल रही हूँ जो मैंने रख रखा है यहाँ। ये तो यहाँ मैंने इसके लिए देखिए ये मैंने काला नमक ले रखा है, काली मिर्च ले रखी है, भुना जीरा ले रखा है, और चाट मसाला। तो ये मैं ऊपर से डालूंगा, ये इमली का पल्प है जो मैंने भिगो के इमली से निकाला हुआ है। और इधर मैंने अपनी चाट के लिए ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये अदरक घिस के और हरा धनिया ले रखा है। अब मैंने इधर कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए तो ये मिक्स होगा, तो फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये बिल्कुल अलग टेस्ट इसका आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं इसमें थोड़ा पनीर भी डालूँगी, मैंने पनीर भी रख रखा है। तो मैं ये पहले ये पनीर डाल के इसमें से निकाल लेती हूँ। पनीर को थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। इसको पिंक कर दूँगी, गुलाबी रंग का, और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, स्लो पे नहीं रखिएगा। पनीर हो चुका है, ये देखिए बस इतना ही मुझे करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसका छिड़ा करके निकाल लूँगी जिससे इसके अंदर थोड़ा ऑयल ना रहे। और अब मैं इसमें ये अपने जो मैंने रखे हुए हैं ये थोड़े थोड़े करके उसको फ्राई करूँगी। ये देखिए ये मैंने सफ़ेद चना रखा है, मैं इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए हो गए हैं, और मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए इसके तेल ऐसे टेढ़ा करिए तो उसका तेल अंदर ही चला जाएगा। ये देखिए ऐसे ही अच्छे से हो जाएंगे। और अभी मैं इसकी आपको चाट बना के दिखाऊंगी, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये बिल्कुल मैंने अलग स्टाइल से बनाया है इसको। और अब जो मेरे पास बचे, और देखिए जो और बचा था वो भी हमने डाल के उसको भी निकाल दिया। ये देखिए अभी देखिए ये हमारा अच्छा सा देखिए चना तल के तैयार हुआ है ये। और अब मैं इसको इसकी चाट बनाऊंगी। तो देखिए मैं क्या करूंगी इसमें चाट बनाने के लिए। तो अब ये जैसे ही मेरा चना बना हुआ है तो अब मैं इसमें ये जो प्याज है ये मिक्स कर दूंगी। ये देखिए ये प्याज काट के रखा है, ये अदरक है ये डाल दूँगी, हरी मिर्च है ये डाल दूँगी, और धनिया और टमाटर मैं ऊपर से डालूँगी, और इसमें नमक थोड़ा है लेकिन थोड़ा नमक और डाल रहे हैं हम इसमें। ये और इसमें देखिए ये मैंने थोड़ा सा काला नमक रखा है वो भी डाल रही हूँ, और इधर मैंने थोड़ी काली मिर्च रखी है वो भी डाल रही हूँ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और ये भुना हुआ जीरा है।
और यहाँ मेरे पास ये चाट मसाला है जो मैं इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो डाला मैंने। और ये जो इसमें मैंने ये रखा है इमली का पल्प, ये भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर रहे हैं इसे। ये देखिए मैं इसको प्लेट में आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। चाय के साथ खाइए या किसी के साथ भी खाइए। ये देखिए सफ़ेद चना चाट मेरी बिल्कुल बनकर तैयार है। और मैंने जो पनीर रखा हुआ था मैंने ऊपर से डाल दिया है। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप पनीर को स्किप भी कर सकते हैं। और ये प्याज है, नींबू आपको जितना डालना उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। तो हमारे स्टाइल से भी एक बार बना के देखिए कि आपको ये चना चाट कैसी लगी है। और पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।